दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा महाराष्ट्र में नया प्लांट लगाने जा रही है। इसके पहले कंपनी ने कर्नाटक के बिड़दी में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जिनकी मौजूदा उत्पादन क्षमता 3.42 लाख वाहनों की है। महाराष्ट्र में टोयोटा इसके लिए कंपनी करीब 20,000 करोड़ तक का निवेश करेगी। टोयोटा ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र ने छत्रपति संभाजी नगर में एक नए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की पड़ताल के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाइब्रिड कारों के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर कर्नाटक में टोयोटा ने अपनी ग्रुप कंपनियों को मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और इससे करीब 86,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। कंपनी ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये प्रोजेक्ट वाहन क्षेत्र में क्रांति लाएगा। वहीं TKM के MD और CEO मसा काजू योशी मुरा ने कहा कि इस MOU के साथ हम भारत के विकास में अगले चरण में कदम रख रहे हैं। इससे हम लोकल और ग्लोबल लेवल पर गुणवत्तापूर्ण वाहनों के साथ जीवन को समृद्ध बनाने में योगदान दे सकेंगे।